बॉम्बे हाई कोर्ट में लोकतंत्र की बड़ी जीत और तानाशाही की करारी हार हुई है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार के पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट फैसले को न सिर्फ असंवैधानिक कहा है, उस पर रोक भी लगा दी है। आपको याद होगा पिछले साल 2023 में सरकार ने आईटी रूल्स बदले थे और उसके तहत एक पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट सेटअप करने की घोषणा की गई थी। ये पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट किसी भी खबर को अगर गलत बताती या भ्रामक बताती या असत्य बता देती तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वो खबर हटा देनी पड़ती। फिर कुणाल कामरा जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट गए, जहां पर दो जजेस ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। उसके बाद जस्टिस चांदोरकर इस मामले में नियुक्त किए गए और उन्होंने बिना संशय के कहा कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, ये संविधान के आर्टिकल 14 विच इज राइट टू इक्वालिटी समानता के अधिकार और आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की आजादी देता है हर सिटीजन को, उसका उल्लंघन है, इसीलिए असंवैधानिक है, इस पर रोक लगा दी। सोच लीजिए अगर ये सच हो जाता तो अगर आप बताते कि हमारा सड़क, हमारा पुल, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है और पीआईबी यूनिट कह देती नहीं नहीं ये तो गलत है, तो आपकी आवाज कहीं तक पहुंचती नहीं। गोदी मीडिया तो वैसे भी नहीं दिखाता, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी वो हटा देनी पड़ती। तो भला हो इस देश के संविधान का जो आज भी हमारी ताकत, हमारी ढाल बनकर खड़ा है हमारे हितों और हमारे हकों की रक्षा के लिए।